बहुत बढ़िया लगी, और मैं हमेशा जब आमिर की फिल्म देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें गड़बड़ कर गया, कर जाएगा, ये फिल्म में तो गड़बड़ करेगा, मगर इस फिल्म में भी गड़बड़ नहीं। यू नो कि यार हर बार कैसे ये यू नो सही फिल्म बनाता है, सही कहानी लेता है, सही एक्टर्स को लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म भी जैसे कि उनकी पुरानी फिल्म जो इससे पहले जो फिल्में रिलीज़ हुई उन फिल्मों की तरह ये भी लगता है लोगों को, बहुत मुझे मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत पसंद आई, और मैं ये दिल से कह रहा हूँ। सबसे तो वो लड़की है जो बच्ची है जिसने काम किया, बड़ा अच्छा किया, और आमिर का कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, जो फिल्म में पतिदेव बने हैं उनका भी बहुत, सबने अच्छा काम किया, मगर मेरा पसंदीदा जो है वो लड़की जो बहुत अच्छा काम किया। हाँ क्या बोलूँ मैं, फिल्म देखिए इस बार हम लोग सिर्फ सीक्रेट सुपरस्टार की बात करें, सुपर हिट है, सुपर हिट। सुपर हिट है यार, बहुत ही इमोशनल फिल्म है और एंड में तो आंसू ही आ जाती हैं फिल्म में, और परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया, अमेजिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक बेस्ट फिल्म है इस साल की। एज ऑलवेज आमिर्स फिल्म्स आर रियली स्पेशल एंड आई थिंक ये फिल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ दिनों ही पहले मैंने कहा था कि ड्रीम्स डोंट डिस्क्रिमिनेट, और ये बिल्कुल वही स्टोरी है कि जहाँ पे एक छोटी बच्ची अपना एक ड्रीम हासिल करना चाहती है, और जिस तरह से उसने भी रोल किया है वो इट्स रियली रियली इम्प्रेसिव, और ये एक मूवी दिल को छू जाती है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सभी ने जो परफॉर्म किया है इस आउटस्टैंडिंग, दिस मूवी हैज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। आई वांट टू विश आमिर एंड द एंटायर कास्ट ऑल द वेरी बेस्ट। ये और एक आमिर स्पेशल मूवी है मैं कहूँगा, मगर जो ज़ायरा ने जो रोल किया है आई थिंक दैट इज़ रियली रियली स्पेशल, एंड आई कैन से दैट उसको बहुत उसके सामने बहुत बड़ा फ्यूचर है, एंड आई वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। Beautiful, yeah. It's a very inspiring, very emotional, and like beautifully told story. And Amit sir, Zaira, the whole cast. I think just do yourself a favor and go watch Secret Superstar. बहुत अलग है, I think Amit sir ने बहुत ही अच्छा काम किया है. It's so funny, और बहुत सारे लोगों की याद रही उन लोगों ने, उन्होंने इस कैरेक्टर करते हुए. But he's very funny. He's It's amazing the way he has portrayed Shakti in the film. Yeah. Oh yes, yes, it's definitely a very important year for me. The kind of films that I've done, I've been a part of. I'm just. ऐसी मुझे उम्मीद थी, इसलिए कि मेरा ऐसा ख्याल है कि आमिर खान साहब अच्छी ही फिल्म बना सकते हैं, उनकी ये मजबूरी है, तो बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे यकीन है बहुत कामयाब होगी, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। आमिर खान का बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है और बहुत अच्छी तरह निभाया उन्होंने, और ये लड़की ज़ायरा वसीम जो कि इसका मेन कैरेक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और जो उनके फादर का रोल
किया है उसने, वो भी बहुत ही कमाल का एक्टर, बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह की कल्ट फिल्म बनने वाली है। मुझे बेहद अच्छी लगी फिल्म। आप देख रहे हैं कि मैं अपने आंसू पोंछते हुए आई हूँ, और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ज़ायरा ने बेहद अच्छा काम किया है। इनफैक्ट एंसेंबल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, न सिर्फ जिन्होंने बाप का रोल किया है मगर माँ का रोल भी जिन्होंने किया, शी इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, और आमिर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन इट। ये फिल्म दिल को छूती है और इसमें बहुत अच्छा मैसेज है गर्ल चाइल्ड के लिए और मदर्स के लिए, जो कि बिना प्रीच किए हुए उन्होंने बहुत एक इमोशनल और ह्यूमन तरीके से किया है। मुझे लगता है ये आज की गुड्डी है, मोर फाइस्टी देन द वन वी सीन अर्लियर, बट यू लव हर जस्ट एज मच और मे बी इवन मोर। गुड लक फॉर एवरीबॉडी। Hi. How's the film? I have no words to define the film. It's such a pure, inspiring, and a hugely entertaining film. I think everybody should watch it. Every family member should watch the film. You've known Amir for years now. Yeah. How is it? How did you like it? Amir's performance? Shakir Kumar. Amir is the fun quotient in the film. He is just extraordinary. You have to watch it. I have nothing to. He just cracks you up all the time he comes on screen. And this is Zaira's second film, and everybody's praising Zaira. What do you have to say? You know, I asked Zaira what was easier for her to do, whether to wrestle or to. Wrestling was easier or singing was easier. She's just extraordinary. This girl is just extraordinary. It's a very, very inspiring film. And everybody is awaiting that biopic. Throw some light on it. We're almost done. We have just two songs left to be shot, two scenes and two songs. So almost there, editing at the moment. And Rajkumar Hirani, jo bhi karte grand tarike se us film ki launch hoti hai, any such plans? Nahi, abhi to film complete kar rahe hain, ek baar film complete ho jayega fir sochenge kya karna hai. Thank you. एक मिनट।